इसको क्लीन करेंगे, एयर एयर फिल्टर को क्लीन करेंगे पूरा, बताएंगे। मैंने बाइक का ऑयल निकाल दिया है और ये लगभग पूरा निकल चुका है। अब हम इस बोल्ट को लगाएंगे। इस बोल्ट के ऊपर एक वॉशर लगता है। ये वॉशर जब भी आप ऑयल चेंज कराते हो, जब भी आप इसको ऑयल रिप्लेस कराते हो, तो इस वॉशर को चेंज करना रहता है। तो इस वॉशर को हमेशा चेंज कीजिए। ये अब ख़राब हो चुका है, एल्यूमिनियम वॉशर आता है ये, जो कि ख़राब हो चुका है। अभी हम इसको नया वॉशर लगाएंगे। ये पुराना वॉशर आप देख सकते हो उधर है, तो इसको भी इस तरह से लगाया जाता है ताकि ऑयल लीकेज ना हो भविष्य में। यहाँ पर इस बाइक में ऑयल डलता है। इस पिलार की सहायता से इस ढक्कन को हम ओपन करेंगे ताकि हम इसमें ऑयल डाल सकें। इंजन ऑयल हमेशा जेन्यून ही डालना चाहिए। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये आप देख रहे हैं इसकी सीट कवर काफ़ी फट चुका है। अब हम इस पर नया सीट कवर स्प्लेंडर का लगाएंगे। चलिए लगाते हैं हम इस सीट कवर इस पर। अब हमने बाइक का सीट कवर और टंकी कवर अच्छे से लगा दिया है, इधर का पैनल भी लगा दिया है। उधर हम बैटरी के लूज कनेक्शन चेक करेंगे और अब हम बाइक का पीछे का व्हील सर्विस करेंगे। इन टूल्स की सहायता